हेलो फ्रेंड्स, मिक्की सिलाइटिक्स में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल सलवार की कटिंग। जो सिंपल सलवार होती है उसका कटिंग है ये, कोई भी बना सकता है और बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी कटिंग मैं आपको बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इसका सिलाई करना बताऊंगी। तो ये देखिए, सिंपल पैजामा के लिए हमें 2 मीटर कपड़ा लेना है और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, इसमें कोई झंझट नहीं है। तो ये कपड़ा को मैंने 4 तरह मोड़ लिया है। ये देखिए, 4 तरह हमें मोड़ लेना है, जैसे हम पेटीकोट का मोड़ते हैं। अब हमें सबसे पहले पैजामा की लंबाई लेना है। तो पैजामा की लंबाई आपका जितना होता है आप उतना ले, ये 38 हमारा है। अब सबसे पहले हमें इसकी कमर की नाप लेना है। कमर हमारा है 48 इंच, तो अब हमें इसे 48 इंच का चौथाई भाग लेना है। अब हमें कमर का नाप लेना है, तो ये देखिए कमर हमें लेना है 16 लेंगे, यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। और इसके बाद हम अब हमें सीट की लंबाई लेनी है और चौड़ाई लेनी है। तो सीट हमारा हो गया, यहां से लेंगे हम 16। अब सीट की चौड़ाई लेंगे, तो चौड़ाई हमें 17 रखना है, तो यहाँ पे इस तरह रख लेंगे। अब हमें नीचे का करना है मोहरी के लिए। मोहरी के लिए हमें लेना है 8, ये देखिए 8 लेंगे और यहाँ पे इस तरह मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे हम इस मार्क से, जो हमारा सीट का मार्क था वहां से हम रखेंगे यहाँ, और ये जो मोहरी का है वहां से हमें मिला लेना है। तो ठीक, ये देखिए हमारा निशान यहाँ से लग गया है। अब हमें इसे कटिंग कर लेना है, और ये देखिए यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कटिंग हो चुका, और ये देखिए पैजामा की तरह एकदम सादा पैजामा हो गया हमारा। और ये देखिए, मैं सबको खोल के दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह हो गया। अब ये जो ज्वाइंट था इसे कट कर लेंगे और इसका म्यानी काट लेते हैं। अब ये देखिए पैजामा इस तरह कुछ बनेगा। ये देखिए, ये एक भाग का हो गया, एक पैर का हो गया और ये एक पैर का हो गया। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान भी रहता है पहनने में। तो ये मेरा कटिंग का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर घंटी दबाएं। तो इसी तरह से आसान आप लोग के लिए मैं लेके आती रहूंगी कटिंग और सिलाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।